चलिए सभी को गुड मॉर्निंग चलिए सभी को गुड मॉर्निंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को। तो स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कहां तक किए थे ऑप्टिक्स तक साउंड तो कंप्लीट हो गया था ना और साउंड का न्यूमरिकल भी देख लिए थे फिर हम लोग बात किए थे कि हम लोग नेक्स्ट सेशन से क्या पढ़ेंगे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और आप लोग को होमवर्क भी दिए थे ऑप्टिक्स के बारे में लाइट के बारे में कुछ ना कुछ जान के आना लाइट है ना तो एक साइड से स्टार्ट करेंगे, जहां तक लास्ट उसके तक खत्म ही हो जाए पहले सब कुछ बता दे बाकी लोग ओके चलिए सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रभात राम राम लगाते हैं हम लोग हेडिंग है ना और हेडिंग में हमारा क्या था टॉपिक का नाम ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स क्या बताए थे कि ऑप्टिक्स किसे कहते हैं या ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं प्रकाशिकी याद रखिएगा ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है प्रकाशिकी ठीक है प्रकाशिकी कहा जाता है और एक वर्ड में क्या याद करने के लिए कहे थे स्टडी अबाउट लाइट प्रकाश के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं प्रकाशिकी कहते इतना ही टर्मिनोलॉजी था इसके बारे में अध्ययन बताए थे प्रकाश स्टडी अबाउट लाइट लाइट के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं ऑप्टिक्स कहते हैं नहीं तक चर्चा करके हम लोग क्लास को क्या कर दिए थे यहाँ पर एंड किए थे कि अब नेक्स्ट सेशन पे हम लोग देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग एमसीक्यू भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश किसे कहते वॉट इज लाइक एक एक करके बताते चलिए पहले आपसे शुरू करते हैं बैठिए बैठे आराम से बैठे बैठे बताना है कोई दिक्कत नहीं है किसे कहते हैं प्रकाश जो भी आपके दिमाग में इस बारे में थॉट है बताना है इंग्लिश में भी लिखा गया है देखिए ऑप्टिक्स चलिए वेरी गुड पहला वर्ड तो ही आना चाहिए कि लाइट के कारण ही हम लोग का क्या होता है विजन क्लियर होता है हमें जो भी विजन होता है किसी चीज को हम लोग देख पाते हैं किस कारण से लाइट के ही कारण से अगर इसी कमरे को चारों ओर से डार्क कर दिया जाए अंधेरा कर दिया जाए इसमें जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके पास पहुंच रहा है उसको भी क्या कर दिया जाए हटा दिया जाए अगर सारे चीज को रिलीज कर दिया जाए हटा दिया जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा सिंपल सा देखने को मिलेगा चारों ओर अंधेरा हो गया हम लोग किसी भी चीज को कब देख पाते हैं? जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है देखिये हमारे आंखों के पास कोई लाइट नहीं है लाइट है क्या नहीं है पहले तो किसी ऑब्जेक्ट में क्या गिरता होगा

किसी चीज को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है लाइट की आवश्यकता होती है प्रकाश की आवश्यकता होती है यह पॉइंट क्लियर है पहला पॉइंट यही हुआ कि लाइट में क्या जरूरत है यह विजन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है और कुछ बताइए नेक्स्ट आप लाइट के बारे में और बताइए लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव अच्छा इनका कहना है कि सर लाइट क्या है ट्रांसवर्स वेव भी है ट्रांसवर्स वेव भी ट्रांसवर्स कहने का मतलब अनुप्रस्त अनुप्रस्त कैसा वेव है अनुप्रस्त वेव है ट्रांसवर्स वेव है चलिए भी बात सही है इससे एक बात और क्लियर हो गया कि लाइट हमारा क्या है वेव है इट हमारा क्या है वेव हाँ नहीं नहीं एक पॉइंट ये, ये भी क्लियर हुआ कि लाइट क्या है लाइट क्या है अभी तो वेव की तरफ पहुंचे हम लोग लाइट इज ए वेव वो भी कैसा वेव वेरी गुड ट्रांसवर्स तो है इन्होंने भी सही कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कैसा वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है की बात कर रहे हैं हम लोग लाइट की देखिए पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिख लिया था कि लाइट क्या करता है विजन को क्लियर करता है मतलब देखने में सहायता करता है सेकंड पॉइंट क्या बताए थे लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग साथ ही साथ क्या कह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग को एक प्लेस से एनोदर प्लेस जाने में क्या मीडियम की आवश्यकता होता है इसका मतलब लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है हाँ या ना लाइट वैक्यूम में भी क्या कर सकता है ट्रेवल कर सकता है. तक क्लियर है? और कुछ बताइए क्या होता है हाँ, लाइट क्या होता है जनरली स्ट्रेट लाइन में पास करता है लिनियर बोल सकते हैं लाइट का जो मोशन होता है लाइट का जो रेंज होता है वो कैसा होता है लिनियर होता है सरल रेखी, स्ट्रेट पाथ में चलता है चलिए और कुछ मतलब लाइट इज ऑल्सो ए पार्टिकल इनका कहना है लाइट इज ऑल्सो अब यूपीएससी का प्री में 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 एक सवाल पूछा था 19 में या 20 में हमको एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा है कि क्या ग्रेविटेशन लाइट में अप्लाई होता है बिकॉज लाइट इज पार्टिकल अभी आपने कहा ना सर तो लाइट क्या है पार्टिकल है अगर लाइट एक पार्टिकल है तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन का डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि दुनिया का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है इसे ही क्या कहते हैं ग्रेविटेशन कहते हैं और फिर हम लोग ग्रेविटी भी पढ़े थे कि हमारा जो अर्थ है वो पार्टिकल को क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यही क्वेश्चन था कि ये जो लाइट इज इसे पार्टिकल हम कह रहे हैं कि क्या ग्रेविटेशन लाइट पे अप्लाई होता है या नहीं होता है ये तो क्वेश्चन अभी अराइज की एंसर बाद में आएंगे यार होता है तो क्यों होता है और अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता क्लियर है चलिए तो हम लोगों को समझ में आया कि लाइट इज ए पार्टिकल और कुछ बताइए कहा चलिए वो बात सही है कि सर लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अपने आप में क्या है एक तरह का है तो वेव ही ना वेव बोले तो तरंग वेव का मतलब क्या हुआ तरंग तो लाइट एक तरंग भी है और लाइट एक पार्टिकल भी है पार्टिकल को हिंदी में लिख लीजिएगा क्या लिख लीजिएगा कण हिंदी में जब कोई एक ही चीज दो तरह का गुण दिखाए कण का भी दिखाए और तरंग का भी दिखाए उसे हम लोग क्या कहते हैं द्वैत प्रकृति नेचर तो लाइट का नेचर कैसा होता है? नेचर का होता है ये भी लिख दिए लाइट जो हमारा है, नेचर का, का, का होता है कैसा प्रकृति का होता है द्वैत प्रकृति का होता ठीक है किस प्रकृति का होता है द्वैत प्रकृति चलिए गुड मॉर्निंग। हाँ, तरंग भी होता है ऑनलाइन भी आंसर आ रहे हैं आप लोग भी आंसर देते चलिएगा और क्या है लाइट वेरी गुड अभी तक अगर हमारे मन को छोड़ दिया जाए मन के गति को छोड़ दिया जाए मन तो और भी फास्ट हो सकता है ना जैसे अभी आप बैठे हुए घर में आते समय जैसे आप बाहर निकल रहे थे क्लास के लिए हो सकता है उस समय आपका कोई फ्रिय खाद्यान्न भोजन घर में आ रहा था आज बनने वाला होगा तो मन तो अभी जा सकता है कि अभी बन गया होगा एक सेकेंड का भी समय नहीं लगा लेकिन मन को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा अभी तक सबसे फास्टेस्ट कौन है लाइट है ना सबसे फास्टेस्ट कौन है लाइट कितना इसका स्पीड ऑन एवरेज एट मीटर पर सेकेंड कहां पे होता है वैक्यूम मतलब निर्वात में निर्वात और कुछ बताइए लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी चलिए इनका कहना है कि लाइट सर क्या है एनर्जी भी है लाइट ऊर्जा का एक रूप है फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे गुड क्योंकि लाइट से ही क्या होता है प्रकाश संश्लेषण अगर लाइट नहीं आएगा तो क्या पेड़ पौधे अपना खाना बना पाएगा नहीं बन सकता है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो ऊर्जा है लाइट जो हमारे पास आया ये किसमें मदद करता है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है यानी हमारे पूरे अर्थ का अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि पूरे अर्थ में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है लाइट नहीं कह रहे हैं सोर्स कह रहे हैं सन है ना क्या कहेंगे हमारे अर्थ में एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है सन सूर्य मेनली लाइट कहां से मिलता है सूर्य से ही मिलता है कहीं से मिल पा रहा है ना प्ले लिस्ट अपडेट नहीं है कोई बात नहीं अपडेट कर दिया जाएगा हाइट एनर्जी भी है और भी कुछ और कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताइए और भी कुछ दिमाग में आ रहा है तो ही बताइए अच्छा वेरी गुड लाइट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है फोटोन होता है फोटोन होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है क्या होता है फोटोन होता है फंडामेंटल पार्टिकल ये बिल्कुल सही है एकदम सही कहा आपने इनका कहना क्या है तो इसको लिख देते हैं हम लोग कि लाइट जो है ये कितने कलर में सेवन कलर में रहता है बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे और है ना इससे एक बात और क्लियर हुआ जो हम लोग अलग अलग कलर देख पाते अलग अलग कलर देख पाते हैं इसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल है लाइट रिस्पॉन्सिबल लाइट के कारण ही हम लोग अलग अलग टाइप का क्या देख पाते हैं कलर देख पाते हैं हाँ या ना? इतना सारे बातें क्लियर है अब तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइट का स्कैटरिंग होता है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है रिफ्रैक्शन होता है डिफ्रेक्शन होता है ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे अब देखिए यहाँ से तो पहले डेफिनेशन से कभी कभी सवाल पूछ लेगा आपको कि प्रकाश क्या है और ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज पहले किसी किसी को याद कर लेते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और फर्स्ट ऑप्शन में ही रहता है लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी तो टिक करके आगे नहीं बढ़ना है सब तक सेकेंड ऑप्शन क्या दिए लाइट एक क्या है ट्रांसवर्स वेव है लाइट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट क्या है पार्टिकल है लाइट का स्पीड क्या होता है फास्टेस्ट होता है सबसे ज्यादा तेज होता है ये सारे पॉइंट हम लोग को ध्यान से देखना है ठीक है चलिए एक का कहना है कि सर वैक्यूम का स्पेलिंग डबल यू होगा अच्छा ठीक कर लीजिए वैक्यूम मतलब तो निर्वात ही रहेगा है ना चलिए आप समझ गए काफी है अब यहां देखना है। अब एक एक पॉइंट को यहां समझना है अब एग्जाम में वन डे एग्जाम में क्या पूछेगा अब सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं कि लाइट क्या है वेव है। लिखिए ना ये पूछेगा किसने पहली बार कहा था या लाइट का जो तरंग सिद्धांत है लाइट का जो वेव नेचर है इसका डिस्कवरी किसने किया था, था. ब्रोगली बाद में आएगा यस ये किसने किया था हाइगेंस ने किया था तो जहां पे हम लोग लिखे हैं कि लाइट इज ए वेव ब्रैकेट देके क्या लिख लेना है हाइगंस इसका भी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा एच ई आई एस ई आई एन एस होगा पर हिंदी वाले लोग ऐसे ही याद देखिए हाइजेंस याद रखना है हाइजेंस याद रखना है हाँ इसी को याद रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है कि प्रकाश कैसा है वेव है और इस बारे में किसने बताया था हाइजेंस हाइगन आपको याद रखना है पहला पॉइंट क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने बताया था ये भी किसी ने बताया होगा पहली बार किसने बताया कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लार्क मैक्सवेल क्या याद रखिएगा पूरा नाम तो नहीं आता है पर मैक्सवेल याद रखिएगा क्या याद रखना है मैक्सवेल मैक्सवेल ने क्या बताया कि लाइट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद्युत चुंबकीय तरंग है रुपेश कुमार जी का बिल्कुल सही था हाँ, हाँ, जी खाली कर देते ऐसे है है ना ठीक है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या हो गया मैक्सवेल फिर आपसे क्या पूछ लेगा कि किसने इस बात की पुष्टि की कि लाइट इज ए पार्टिकल लाइट एक पार्टिकल है ये किसने बताया था नहीं न्यूटन से पहले में क्या बताया था डुअल है ना इसमें क्या लिखिएगा क्या कह रहे हैं हम लोग अगर आपसे पूछे कि लाइट इज ए पार्टिकल लाइट एक कण है इसको पहली बार किसने बताया था दकारते ने बताया था तकार्ती। उसने बताया ने बताया में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हाँ अभी आ रहे हैं क्वांटम थ्योरी बिल्कुल आ रहे हैं यहां तक क्लियर है अभी इन्होंने कहा था क्या कि सर लाइट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है फोटोन है लाइट का जो मूल कण है वो क्या है फोटोन लेकिन फोटोन के अंदर भी कुछ होता है जैसे किसी भी पार्टिकल्स का सबसे छोटा क्या होता है एटम होता है।, पड़े है ना किसी भी पार्टिकल्स का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेसोन पोजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो क्वार्क बोसोन ये सब मिला था वैसे ही लाइट का सबसे फंडामेंटल कौन है फोटोन है लाइट का सबसे फंडामेंटल हमारा कौन है फोटोन लेकिन फोटोन किसका बना होता है बंडल ऑफ क्वांटा बहुत सारे क्वांटा का जो बंडल बनता है उसको क्या कहते हैं फोटोन कहते हैं यहां पे क्या लिखेंगे कि फोटोन क्या है बंडल ऑफ क्वांटा है बंडल ऑफ क्वांटा है हम लोग फोटोन को ही नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं तो इसको कहां से देख पाएंगे क्वांटम वही क्वांटम मैकेनिक्स जो भी वर्ड आ रहा था वही क्या कहलाता है बंडल ऑफ क्वांटा इज कॉल्ड फोटोन मतलब क्वांटा के समूह को क्या कहते हैं फोटोन कहते हैं वेरी गुड फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी उस एनर्जी में रहता क्या है क्वांटा रहता है क्या रहेगा क्वांटा ओके okay. आगे बढ़ा जाए बात समझ में आ रहा है क्या क्या कहे हमने पहला पॉइंट कि लाइट एक वेव है किसने कहा हाइगंस ने कहा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मैक्सवेल ने कहा लाइट एक पार्टिकल है न्यूटन सॉरी सॉरीते ने कहा और आगे इस पार्टिकल नेचर को साबित किसने किया था न्यूटन ने किया प्लैंक क्वांटम अभी आएगा इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम बनता है अभी आएंगे अलग अलग स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें आएंगे यहाँ पे हम लोग वापस आए लाइट इज ए पार्टिकल फर्स्ट टाइम किसने कहा लेकिन ये जो सिद्धांत होता है प्रकाश का सिद्धांत लाइट का पार्टिकल थ्योरी, उसको किसने दिया था न्यूटन ने दिया था इन्होंने पहली बार कहा लेकिन साबित नहीं कर पाए इसको साबित करके किसने दिखाया था न्यूटन ने दिखाया था किसने दिखाया था न्यूटन ने दिखाया था। आगे बढ़े हमें यह पता चला कि लाइट एक वेब भी है और लाइट एक पार्टिकल भी है। एक वेब भी और एक पार्टिकल भी है तो जब भी किसी के अंदर ये दो तरह का डिफरेंट डिफरेंट नेचर दिखे दोनों बिल्कुल अलग क्या है प्रकृति वेव मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रेवल करना पार्टिकल मतलब अपने मास को कंजर्व रखना अपने एरिया को कंजर्व करना ये नेचर किसका होता है पार्टिकल का होता है पदार्थ का होता है और अगर कोई दोनों एक दोनों का नेचर दिखाए तरंग का भी दिखाए और कण का भी दिखाए इसको हम लोग क्या कहते हैं ड्यूअल नेचर ड्यूअल और देखिए कहीं ना कहीं ये इस फॉर्मूला को जस्टिफाई भी करता है e ये फॉर्मूला किसका है अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या कहा जाता है इस फॉर्मूला को कौन सा फॉर्मूला है मास एनर्जी रिलेशन या इसका कुछ स्पेशल नेम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद रखिएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है बिल्कुल सही ट नेचर प्रकाश की खोज किसने किया था इस बारे में तो नहीं आता है पर प्रकाश का जो वेग होता है हमने लिखा ना थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड इसका खोज रोमर ने किया इस बारे में हमको आज तक आइडिया हुआ नहीं है कि प्रकाश का खोज किसने किया था प्रकाश का खोज कोई किया ही नहीं होगा एक्चुअल में लाइट तो आ ही रहा होगा तो डिस्कवरी किया होगा उसके बारे में रिसर्च जरूर किया होगा तो याद रखिएगा ये जो हम लोगों ने लिखा है ना कि प्रकाश का वेग कितना होता है थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड ये किसने खोजा था रोमर ने खोजा था रोमर किसने रोमन ठीक है ओके स्पेशल ऑफ हाँ अभी आते हैं नेचर में आए देखिए अब इस ड्यूअल नेचर के बारे में जब दोनों नेचर आया विवाद तो बहुत था इसको सुलझाने का काम किया था डी ब्रोगली डी ब्रोगली क्योंकि एक पार्टिकल क्या कह रहे थे एक ग्रुप होगा जो न्यूटन के साथ होगा नहीं न्यूटन भाई साहब ने कहा लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल है कुछ लोग कहते थे भैया ये क्या है वेव है अब इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कब हुआ होगा E बराबर एम सी स्क्वेयर फॉर्मूला से और इसको प्रॉपरली दोनों को एक साथ दिखाने का काम किसने किया था डी ब्रोगली ने किया था किसने किया था डी ब्रोगली महोदय ने किया इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं प्रकाश का प्रकृति कहते क्लियर तो इतना सारा सवाल आपका केवल लाइट का डेफिनेशन से आ सकता ठीक है अब यहां पे एक सवाल और आता है कि जब इसके अंदर दो नेचर है, वेव है और पार्टिकल है, क्या दोनों नेचर को एक साथ दिखाएगा या एक नेचर के समय दूसरा गायब हो जाता है या दोनों पैरेलली चलता है क्या होता है अगर लाइट के अंदर ड्यूअल नेचर है सनलाइट के कारण हम लोगों को कलर दिखता है सपोज अगर सन के अलावा किसी और से लाइट मिले तो हम लोग को और भी न्यू कलर मिल सकता है अभी आते हैं समझेंगे अभी समझेंगे मिल सकता है कलर अभी हम लोग कलर पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा कि कलर कैसे बदल सकता है लेकिन देखिए हम लोगों ने वेव चैप्टर पढ़ा था और वेव चैप्टर में हम लोग देखे थे कि कहां तक से लेकर कहां तक हमारे आय के लिए क्या है विजिबल अगर हमारे आय के लिए विजिबल रहे तो हम लोग इंफ्रा भी देख सकेंगे रेड के जस्ट बाद क्या है इंफ्रा कि हमारा आंख अभी उतना है नहीं कि हम लोग देख पाते हैं इसी कारण से नहीं देख पाते एक कह रहा है कि सर पैरल चलता है आप लोग आंसर दीजिए लाइट के अंदर दो नेचर है एक क्या है तरंग एक क्या है कन तो दोनों का एक साथ शो करेगा अलग अलग करेगा क्या करता होगा क्वेश्चन समझ में आया कि अगर किसी के पास डुअल नेचर कभी भी डुअल नेचर एक साथ शो हो ही नहीं सकता अब मान लेते इस क्लासरूम के अंदर किसी का नेचर बहुत ज्यादा गुस्सा वाला क्या वो गुस्सा अपने क्लासरूम में दिखाएगा जब क्लासरूम में आया होगा तो शांति रहेगा रहेगा ना और दो तरह का नेचर कह रहे हैं क्लासरूम में एकदम शांत रहता है तो एकदम इतना अच्छा बच्चा कि उससे अच्छा कोई नहीं और घर जाते ही रूप धारण कर लेता होगा ऐसा पॉसिबल है कि नहीं हम जब डुअल नेचर की बात कर रहे हैं इसका मतलब एक टाइम में एक ही नेचर को शो करता है क्या कह रहे हैं हम लोग लाइट एक टाइम में एक ही नेचर को शो करे यानी कि जब लाइट मूवमेंट में है ये केवल क्या शो कर रहा है? वेव नेचर इसलिए जब लाइट एक प्लेस से अनदर प्लेस जा रहा है और ये वेव नेचर को शो करेगा इसमें ग्रेविटी अप्लाई नहीं होगा लेकिन जब लाइट पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट इन सब के टाइम पे क्या नेचर शो करेगा पार्टिकल नेचर और जब पार्टिकल के तरह बिहेव करेगा तब उस पर क्या अप्लाई होगा ग्रेविटेशन अप्लाई होगा यानी एक समय में एक ही गुण को दिखाएगा और समझ में आया या तो आप किसी का सामने बहुत तारीफ कर लिए और पीठ पीछे बुराई कीजिएगा ऐसा तो हो नहीं सकता है कि तारीफ भी कर रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं और तो तो दिक्कत वाली बात है। या तो सामने तारीफ कर रहे हैं पीठ पीछे क्या कीजिएगा बुराई कीजिएगा या सामने बुराई कर रहे हैं पीठ पीछे क्या कर सकते हैं तारीफ कर सकते हैं यानी एक समय में क्या दिखा सकता है एक ही नेचर को शो कर सकता है याद रहेगा कि लाइट जो है एक समय में एक ही नेचर को शो करता है या या तो या तो तो तरंग तरंग वाला वेव वेव मतलब ही हुआ या तो पार्टिकल वाला ठीक है तो यहां से भी सवाल आता है कि लाइट का कौन कौन सा फेनोमेना है जो तो वेव नेचर को दिखाता है कौन कौन सा फेनोमेना है जो तो पार्टिकल नेचर को दिखाता है देखेंगे हम लोग आगे लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना है अब ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस केवल हम नाम लिखेंगे बाकी आप लोग जानते ही हैं बताते चलिएगा ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनस प्रदीप्त और अदीप्त है ना

ियस प्रदीप्त और अदिप्त. अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो आप लोग तो जानते ही होंगे बताने का जरूरत नहीं है इसमें क्या हो अपना लाइट हो इसके अंदर से क्या हो लाइट खुद व खुद रिलीज हो जैसे कि हमारा सन सन क्या है Luminous. जैसे ये सब जो मर्करी लगा हुआ है ये सब के सब क्या है ना ल्यूमिनियस क्यों है कि इसके अंदर से क्या निकल रहा है लाइट निकल रहा है तो सन हो गया स्टार हो गया बल्ब हो गया जैसे बल्ब ऑन करते हैं तो लाइट क्या होता है रिलीज होता है तो जिस ऑब्जेक्ट से स्वतः लाइट निकले लाइट इमिट करे उसको हम लोग क्या कहते हैं ल्यूमिनियस कहते हैं क्लियर जिससे भी लाइट अपने आप इमिट जैसे जुगनू जुगनू से भी तो लाइट इमिट होता है जुगनु को हम लोग बायोल्यूमिनियस कहते हैं क्या देखिएगा जुगनू को क्या कहते हैं बायोल्यूमिनियस कि वो जिंदा भी है और उससे होकर लाइट इमिट भी हो रहा है अच्छा ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या मटेरियल रहता है जुगनू का बॉडी में जिस कारण से लाइट इमिट होता होगा फॉस्फोरस तो रहता है पर फॉस्फोरस का एक नाम बताना होगा फॉस्फोरस तो प्राइमरी एलिमेंट है एक्चुअल में क्या रहता है चाहे जुगनू हो चाहे आपका क्या हो जाए जो स्टार फिश होता है जेलीफिश होता है कहते हैं ना हम लोग अंदर भी क्या होता है लाइट इमिट होता है याद रखिएगा के अलावा और कौन हो टेलीफिश एनिमल है इससे लगातार क्या होने लगता है लाइट इमिट होने लगता है लाइट प्रकाश मतलब अपने आप रिलीज होता है और नॉन ल्यूमिनस में कौन आ जाएगा हम आप चेयर टेबल कुर्सी लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है मून चंद्रमा इसके बाद प्लैनेट और प्लैनेट में हमारा अर्थ भी आता है फेमस एग्जाम्पल, तो चाहे चंद्रमा हो चाहे प्लैनेट हो चाहे अर्थ हो इन सबके सब में हम लोग चर्चा करें इन सबके सब में किसी के पास भी क्या नहीं होता है लाइट नहीं हो यानी ये सब क्या है नॉन ल्यूमिनियस क्लियर है याद रहेगा क्या कहा हमने इससे होकर लाइट अपने आप इमिट हो ल्यूमिनियस इससे होकर लाइट इमिट ना हो ये दूसरे के लाइट से क्या होता है दिखाई पड़ता है तो आप हमको देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है मरकरी लगा हुआ है सारा रूम को बंद कर दिया जाए लाइट को पर्दा लगा दिया जाए मरकरी बंद कर दिया जाए अंधेरा किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा कि हम में से किसी के अंदर लाइट है ही नहीं, नहीं हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ठीक है तीन टर्म आप लोग और बता दीजिए जल्दी जल्दी पारदर्शी अपारदर्शी और पारभाषी ट्रांसपेरेंट और क्या कहते हैं ट्रांसल्यूशन और क्या कहते हैं ओपेक तो ट्रांसपेरेंट जिससे होकर लाइट पूरा पूरा पास हो जाए जिससे होकर लाइट पूरा पूरा पास हो जाए तो कांच का दरवाजा वहां बना हुआ है लगा हुआ है लाइट पास हो रहा है तो वो क्या है ट्रांसपेरेंट ओपेक जिससे होकर लाइट पास ही ना हो यहाँ टॉर्च ऑन करें इधर दिखाई पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा जहां से लाइट लाइट की बात नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं किस ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाए वो क्या कहलाता है ट्रांसपेरेंट इस ऑब्जेक्ट से लाइट पास ना हो ओपेक और जिससे हल्का हल्का पास हो जैसे आपका पेपर ये पेपर जो है इससे लाइट थोड़ा बहुत क्या होता है पास होता है थोड़ा बहुत पास हो उसको क्या कहते हैं ट्रांसलूसेंट पार भासी हैं। तेरे यहां तक आगे बढ़े छोटा छोटा टर्म को हम लोग एकदम समझते हुए आगे बढ़ेंगे अब एक टर्म आता है कलर के बारे में रंग अभी हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग जो देख पाते हैं वो लाइट के कारण ही देख पाते हैं देख पाते हैं ना और हमारे पास जो लाइट है उसमें बेसिकली कितना रंग होता है सात कहां से होगा वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड और यही हम लोग को याद रखना है कि इसका फ्रीक्वेंसी का जो लेवल है कहाँ से कहां तक है लगभग अगर बात करें हम लोग 400 से लेकर साढ़े सात नैनोमीटर कहीं कहीं पर साढ़े तीन भी दिया हुआ रहता है इसी नैनोमीटर के रेंज का जो वेबलेंथ होता है वेबलेंथ इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं तो साथ ही कलर दिखाई पड़ता है ना अब इसमें हल्का कभी देखिएगा इसमें डार्क ब्लू कहते हैं रेड ब्लू कहते हैं कहते हैं ना लाइट ब्लू कहते हैं वो तो केवल कुछ नहीं फ्रीक्वेंसी का चेंजेस किसी में ज्यादा है किसी में कम किसी में ज्यादा है किसी में क्या है कम ठीक है तो स्टार्टिंग कहां से होगा वायलेट से वायलेट का जो वेवलेंथ का रेंज होता है 370 से लेकर 410 तक होता है इसका वायलेट और रेड का कितना होता होगा सात सौ पचास का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है सबसे कम और रेड का वेवलेंथ सबसे हाँ, कलर चेंज हो चुका है देखिए पिंक कलर से नहीं लिखना है ना आगे बोले कभी कभी हम जान बुझ के भी पिंक कलर से लिखते हैं कलर बायस्ड ना पिंक को कलर बायस्ड कर दिया गया है पिंक को हमेशा क्या समझा जाता है कि गर्ल्स का गर्ल्स लोग को पसंद है या गर्ल्स का कलर है इसलिए इसको कलर वाइज ना किया जाए तो कभी-कभी वो आदत बना रहना चाहिए अब यहां पे एक चीज और समझिए अभी तो हम लोगों ने कह दिया कि सात कलर और सबसे नीचे कौन है पायलट और सबसे ऊपर रेड कोई अब क्या आधार पर कलर हम लोग को दिखता कैसे कलर हम लोग को दिखाई कैसे पड़ता है ये हम बात कर रहे अगर मान लीजिए यहां पर कोई रेड कलर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैसा बना रहे हैं रेड कलर का ऑब्जेक्ट कैसे कलर का है ये पूरा रेड कलर का ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी तो सॉरी इसका वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा होगा हाई या ना वेवलेंथ तो वेरी हाई अब ये मान के चलिए इस रेड कलर के ऑब्जेक्ट में इधर से कोई व्हाइट लाइट आ रहा है कैसा लाइट आया वाइट लाइट और यहां पे कोई देख रहा है यहां से कोई इसको देख रहा है इस रेड कलर का ऑब्जेक्ट इस व्यक्ति को किस रंग का दिखाई पड़ रहा हो वाइट कैसा आया है वाइट रेड ही दिखाई पड़ेगा पक्का हम ये पूछे कि रेड कलर का ऑब्जेक्ट है कोई व्हाइट लाइट आया है व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट इसमें सारा कलर क्या हुआ है मिला हुआ है तो इसको यहां पे कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा रेड दिखाई पड़ेगा अच्छा ऐसा कैसे हम लोग क्या जानते हैं लाइट आया ऑब्जेक्ट पे टकराया और रिफ्लेक्ट हुआ आने वाला लाइट कौन सा था व्हाइट अगर इसके आंखों तक व्हाइट पहुंचा होगा तो इसको क्या दिखाई पड़ता व्हाइट दिखाई पड़ता मतलब इसके आंखों तक कौन सा कलर पहुंचा होगा रेड कलर पहुंचा होगा तो ये चेंजेस कैसे हुआ कि यहां से व्हाइट आया और गया कौन रेड मेरा क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हैं हम ये कह रहे हैं इसको रेड दिखा कैसे ये बात तो बिल्कुल सही है वेरी गुड मतलब जो उसके पास पहले से था उस कलर को क्या कर लिया एब्जॉर्ब नहीं किया जो उसके पास पहले से था इसके पास पहले से कौन सा पिगमेंट था रेड तो ये जब सात कलर का मिक्सचर आया ये व्हाइट कलर में सातो है ना वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड जो इसके पास था कौन था इसके पास रेड रेड को क्या कर दिया वापस भेज दिया भेज दिया ना और बाकी सबको क्या कर लिया ऑब्जॉर्व कर लिया का मतलब हमें कोई भी कलर दिखाई पड़ता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है रिफ्लेक्शन कोई भी चीज हमें दिखाई पड़ता है कोई भी कलर दिखाई पड़ता है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है रिफ्लेक्शन। अब यहीं पर इसी को अब कलर हम लिख लेते हैं येलो। इस लाल कलर के ऑब्जेक्ट को हम येलो रंग के लाइट पे देखना चाहते रेड कलर का ऑब्जेक्ट है येलो कलर का लाइट इस पे डालें और यहां से कोई इसको देखना चाह रहा है यहां बना देते हम लोग है ना यहां इसको किस कलर का दिखाई पड़ेगा ऑरेंज ब्लू क्या दिखाई पड़ेगा ऑनलाइन वाले लोग रेडी दिखेगा अब हम ये कह रहे हैं कि ये किस कलर का है रेड कलर का ऑब्जेक्ट है और किस कलर का लाइट डाल दिए येलो कलर का लाइट डाल दिए अब ये किस कलर का दिखाई पड़ेगा कुछ नहीं याद करना पड़ा थोड़ा सोचिए अभी आपने यहाँ पे सही आंसर दिया था ये जब व्हाइट लाइट आया था तो जो इसके पास है उसको क्या कर लिया था ब्लीज कर दिया था बाकी सबको एब्जॉर्ब तो क्या इसके पास येलो कलर है इसका मतलब पहली बात ये येलो कलर को क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा और जब एब्जॉर्ब कर लिया मतलब वहां से पार्टिकुलरली कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है जब पार्टिकुलरली कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब ही वो क्या है ब्लैक दुनिया में व्हाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं होता है आपको ब्लैक बोर्ड ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखाई पड़ता है डॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर या एब्सॉर्ब टोटल कलर दोनों आंसर हो सकते ब्लैक का मतलब क्या होता है याद रखिएगा ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है किसी भी कलर को क्या नहीं करेगा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एकदम बिकॉज ब्लैक होल का एक कारण है पर उसका डेंसिटी वेरी हाई है कहा जाता है कि अगर ब्लैक होल का अगर एक चम्मच मिट्टी भी उठाया जाए या एक कटोरा मिट्टी भी उठाया जाए तो ब्लू होल के बराबर क्या होगा मास हो सकता है इतना ज्यादा हायर डेंसिटी का है ठीक है कारण तो वही है तो क्या लिखिए ब्लैक मतलब ही क्या है डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर Black क्या करता है करना होगा क्या डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर ब्लैक का मतलब क्या हुआ कि किसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है और व्हाइट का मतलब टोटल रिफ्लेक्शन सभी कलर को क्या कर देता है रिफ्लेक्ट कर देता है याद रहेगा दोनों लिख लेना है ब्लैक का मतलब होता है किसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और व्हाइट का मतलब सभी रंगों को क्या कर देगा परावर्तित कर देगा नहीं बरमूडा टेंगल में हाई लेवल ऑफ एनर्जी रहता है हाई लेवल से पानी का घूर्णन गति होता है ना आप तो लोग पढ़िएगा भवर धाराकरण कभी कर बोलते हैं तो भवर धारा क्रिएट चलिए तो पे समझिए। यानी कि येलो के जगह ब्लू रहता येलो के जगह कुछ रहता ग्रीन रहता क्या दिखाई पड़ता ब्लैक ये रेड दो ही कंडीशन में दिखाई पड़ेगा या तो व्हाइट कलर या फिर रेड कलर नहीं ना रेड ऑब्जेक्ट रेड कलर का दो ही कंडीशन में दिखाई पड़ सकती पहला कंडीशन व्हाइट कलर सेकंड कंडीशन रेड कलर यहां तक ठीक है क्यों रेड इसके पास गया इसके पास पहले से रेड है तो क्या ये रेड को अपने पास रखेगा इसके पास सात कलर आया था तो बाकी छह को क्या कर लिया एब्जॉर्ब जो इसके पास पहले से अवेलेबल है उसको क्या कर दिया रिफ्लेक्ट कर दिया इसके पास भी अगर रेड कलर पहुंचेगा तो इसको क्या समझ में आएगा कि रेड तो मेरे पास है तो रेड को क्या कर दो रिफ्लेक्ट कर दो। जो कलर रिफ्लेक्ट होगा वही दिखाई पड़ेगा क्या हाँ ग्रीन कलर का पत्ता है इसका मतलब उसके पास क्या है क्लोरोफिल सोच के देखिए क्या हुआ ग्रीन हुआ है

अब कुछ सवाल पूछ लिया जाए एक सवाल का जवाब दीजिएगा दोनों लोग ऑनलाइन वाले लोग भी लेते हैं व्हाइट कलर का कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का ऑब्जेक्ट है व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट ये व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट रेड लाइट में कैसा दिखाई पड़ेगा अगर रेड लाइट इस पर डाल दिया जाए ये कैसा दिखाई पड़ेगा रेड दिखाई पड़ेगा पक्का रेड कलर सॉरी व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट को रेड लाइट में देखने पर कैसा दिखाई पड़ेगा रेड दिखाई पड़ेगा और अगर इस वाइट कलर के ऑब्जेक्ट को लोग तो ग्रीन लाइट में देखे तो क्या दिखाई पड़ेगा ग्रीन दिखाई पड़ेगा मतलब क्योंकि ये सारे कलर को क्या कर देगा इसके पास जो आएगा उसी को वापस भेज देगा ब्लू आएगा तो ब्लू दिखाई पड़ेगा अगर इसके पास ब्लू कलर आया तो दिखाई पड़ेगा ये समझ में आ रहा है यानी कलर के ऑब्जेक्ट को जिस लाइट पे देखेंगे वैसा ही दिखाई पड़ेगा कभी कभी आप लोग भी सोचते होंगे हम लोग खुद जाके देखते हैं में शर्ट तो का कलर और यूट्यूब में जो कलर दिख रहा है दोनों में क्या होता है बहुत ज्यादा चेंजेस रहता है रहता है ना या फोटो क्लिक करवाने जाते हैं फोटो क्लिक करते हैं हम लोग सनलाइट में खड़े होकर तो आपको लगता है ऐसा कलर का ड्रेस तो हम पहने ही नहीं थे ये कलर कैसे बदल गया तो कलर कैसे बदलता है ठीक ढंग से बदलता है समझ में आ रहा है एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ जाए हाँ, तब वाइट दिखेगा अभी उसमें आएंगे अगर रेड ब्लू और ग्रीन एक साथ आए व्हाइट दिखाई पड़ेगा आरबीजी प्राइमरी कलर हमारा यहां देखिए एक सवाल और पूछते हैं हम लोग फिर हम सीधा आगे बढ़ेंगे अब ये मान लीजिए कि ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस, ऐसा कैसा है ब्लैक कलर ब्लैक कलर के सब्सटेंस को अगर रेड लाइट में देखें हम चाह रहे हैं कि ब्लैक कलर के सब्सटेंस को किस लाइट पे देखें? रेड कलर के लाइट पे देखें, तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा ब्लैक ही दिखेगा क्या दिखेगा ब्लैक दिखेगा कि ये क्या है किस कोई भी कलर का लाइट आए सबको एब्जॉर्ब कर लेगा रिफ्लेक्ट एनी कलर अगर इसको वाइट कलर का लाइट भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है सातों को अपने पास रख लेगा और भेजेगा क्या ब्लैक कलर मतलब ब्लैक ऑब्जेक्ट को किसी भी कलर में देखने पर क्या दिखाई पड़ता है हाँ, हाँ हाँ हाँ। वेरी हाँ। गुड लेकिन क्या होता है जैसे वो एब्जॉर्ब करता है तो वो कलर को एब्जॉर्ब ना करके थोड़े ही देर में कन्वर्ट किस में करता है एनर्जी में यानी काला कलर का चीज क्या होता है गर्म होने लगता है एब्जॉर्ब करता है वो लाइट को किसके फॉर्म में कलर के फॉर्म में पर यूज किस फॉर्म में करता है एनर्जी के फॉर्म में और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किसमें करता है थर्मल एनर्जी दि? हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ।, हाँ। एकदम आ सकता है लेकिन क्या होता है एक्चुअल में समझिएगा जैसे हम लोग ब्लैक बॉडीज तो बहुत हायर टर्म हो गया ब्लैक कलर ब्लैक बॉडीज क्या होता है इतना ज्यादा वो डेंस होता है इतना ज्यादा ब्लैक होता है तो जो दो बार कलर पास करने के लिए जो टाइम लगता है ना ना देर में वो कलर को ही गायब कर देता है ब्लैक बॉडीज की बात तो लेकिन हाँ अगर ब्लैक कलर की बात करते हैं तो आपको हल्का सा फील होता है आप दुकान के अंदर में जब ब्लैक कलर का शर्ट देखते होंगे या ब्लैक कलर के सब्सटेंस देखते हैं जस्ट उसको बाहर निकलिए आपको ब्लैक में भी अंतर समझ में आएगा ब्लैक में भी अंतर समझ में आएगा यार अंदर में कुछ अलग टाइप का ब्लैक लग रहा था एक्चुअल में कुछ अलग टाइप का ब्लैक है कारण क्या है वो लाइट वहां पे इतना ज्यादा लाइट गिर रहा था वो हाइली निखर के आ रहा था जैसे ही बाहर आए हल्का सा डल डल दिखने लगा क्यों दिखा उसको उस अमाउंट में क्या नहीं मिल रहा है लाइट नहीं मिल रहा पार्टी वेयर कहते हैं हम लोग कपड़े को पार्टी वेयर कहते हैं ना उसको समझिएगा नॉर्मल में देखिएगा उसको डल दिखेगा लेकिन उसी कपड़े को आप पूरा लाइट जहाँ पे वहां पहन के जाइए थोड़ा चमकीला दिखेगा वही होता है लाइट का कलर अब क्लियर हुआ लेकिन हाँ एकदम सही कहा इन्होंने अगर कोई हल्का ब्लैक सब्सटेंस रहा और वो नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड में लाइट हिट करते जाए व्हाइट लाइट ब्लैक लाइट हिट करते जाए तो तो कलर में हल्का हल्का क्या दिखेगा आपको चेंजेस दिख सकता है लेकिन इस सब चीज को तो हम लोग क्या करके चलते हैं निग्लेक्ट मान के चलते हैं। इस में? इस में? हाँ हाँ वेरी गुड तो वो एक्चुअल में वही तो चाहता है वो एक्चुअल में क्या चाहता है कि लाइट वही तो कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करता है चारों और सोलर के कुकर के चारों ओर क्या लगाता है मिरर लगा हुआ रहता है कौन सा मिरर मीर मिरर अवतल दर्पण वो चाहता है कि लाइट बार बार क्या हो एक जगह पे गिरे और गिर के वो ब्लैक कोटिंग इसीलिए रहता है कि और कलर का कोटिंग रहता है लाइट को क्या कर देता वो कर देता इमिट कर देता अब ब्लैक कलर को करते जा रहा है और क्या बढ़ेगा थर्मल बजेगा अच्छा नैनो का नहीं तो वो क्या वो ऑब्जेक्ट उतना कोटिंग नहीं रहता बहुत अच्छा कोटिंग रहता है अगर हल्का 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 हल्का, हल्का कहने का मतलब समझिएगा मान लेते हैं कि पूरा इतना बड़ा दीवार है इसमें हम लोग सेडेड कर रहे हैं कहीं पर ब्लैक छूट गया है कहीं पर ब्लैक है तो आपको वो दिखाई पड़ेगा जहां पर भी डार्क ब्लैक हो गया वो इतना जल्दी पॉसिबल ही नहीं है तुरंत उसको क्या कन्वर्ट कर देता है में कन्वर्ट कर देता है आप कपड़ा सूखने देखिए देखिए या कोई को रख के देखिए दूसरा कम गरम होगा ब्लैक वाला ज्यादा हो जाएगा ज्यादा होता भी है ठीक है ठीक इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि छाता जो हम लोग लेके घूमते हैं बरसात का छाता और धूप का छाता अलग होता है और हम लोग के पास तो एक ही है धूप लगने पर भी वही और पानी गिरने पर भी वही और दोनों अलग अलग होना चाहिए होना चाहिए ना आगे बढ़े ये सब बेसिक टर्म था अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं जहां पे हमने चर्चा किया था कि लाइट क्या है वेव भी है और लाइट क्या है पार्टिकल ओके तो सबसे पहले हम लोग लाइट का वेव नेचर को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या आप लोग पढ़े हुए हैं आंसर देते चलिएगा हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे पढ़े हुए आप लोग सारा चीज है केवल कुछ बारीकियों

रिफ्लेक्शन की बात करते हैं हम लोग तो हम लोग रिफ्लेक्शन मतलब क्या जानते लाइट का वापस आना है ना परावर्तन बोल रहे हैं, परावर्तन नहीं अभी, रिफ्लेक्शन। हिंदी वाले लोग लिख लीजिए परावर्तन लाइट का किसी सरफेस से टकरा के क्या आना वापस आना उसी को क्या कहते हैं परावर्तन कहते हैं रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट एक वर्ड में क्या कह सकते हैं Returning back का वापस आना ही क्या कहलाता है परावर्तन कहलाता है और परावर्तन होने के लिए कंडीशन क्या है एक बात तो यह सरफेस जितना स्मूथ होगा परावर्तन उतना अच्छा होगा मतलब सरफेस को क्या होना जरूरी है स्मूथ जितना स्मूथ होगा।, होगा, होगा।, होगा उतना अच्छा परावर्तन होगा सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं सरफेस अगर कर्व होगा तो परावर्तन अच्छे से नहीं होगा जितना फ्लैट होगा मतलब समतल होगा उतना ही अच्छा क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा दो पॉइंट बताएं रिफ्लेक्शन होने के लिए पहला सरफेस जितना स्मूथ होगा इतना कहते हैं हम लोग उतना अच्छा क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा और सरफेस जितना समतल होगा उतना अच्छा क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा ये कह रहे हैं 17 मीटर डिस्टेंस 17.3 मीटर डिस्टेंस फॉर इको वो इको की बात कर रहे हैं क्या हम लोग किसकी बात कर रहे हैं लाइट चैप्टर का बात कर रहे हैं दोनों में अंतर होना चाहिए सर इेगुलर सरफेस में भी रिफ्लेक्ट होता है हाँ होता है लेकिन अच्छे से नहीं होता है जितना हाँ जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना अच्छा क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा जितना फ्लैट होगा उतना अच्छा रिफ्लेक्शन ये वाला सरफेस मान लीजिए पूरा पूराधुरा रहता है स्कूल के अगर पढ़े होंगे आप लोग सरकारी स्कूल में कभी गया होंगे तो ब्लैक बोर्ड रहते रहते बीच में कहीं कहीं पर सीमेंट वाला एरिया आ जाता है उस तो सीमेंट वाला एरिया में चौक नहीं चलता है और वहां से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है क्योंकि वो क्या है दूरा है और ब्लैक बोर्ड हमारा क्या है प्लेन है तो जितना प्लेन जितना क्या होगा समतल उतना अच्छा क्या होगा इसीलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि एट प्रेजेंट सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन से होता है शीशा से होता है मिरर से होता है प्लेन भी होता है और फ्लैट भी होता है तो जनरली हम लोग रिफ्लेक्शन समझने के लिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं मिरर का एग्जाम्पल लेते हैं मिरर क्या है कांच का ही एक टुकड़ा है तो एक साइड से क्या कर दिए हैं कोटिंग कर दिया जाता है कोटिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं पर ब्रोमाइड वो तो फोटोग्राफी प्लेट में होता है ऑक्साइड सिल्वर का तो होता है सिल्वर क्या सिल्वर आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन होता है क्या कह रहे हैं हम लोग सिल्वर आयोडाइड इससे क्या होता है आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा सिल्वर ब्रोमाइड इससे एक्चुअल में क्या होता है फोटोग्राफी प्लेट वो नेगेटिव वाला फोटोग्राफी में यूज होता है इसमें कभी कभी सिल्वर नाइट्रेट और कहीं कहीं पर सिल्वर क्लोराइड का यूज होता है सिल्वर नाइट्रेट भी हो जाता है और सिल्वर क्लोराइड भी होता तो है आपको इतना नहीं केवल सिल्वर जरूर याद रखिए चांदी का यूज किया जाता है क्या करने के लिए कोटिंग करने अब सरफेस में यहां से लाइट आया लाइट टकरा के क्या हो गया वापस चला गया क्या इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं अगर लाइट आया और टकरा के चला गया क्या इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन को पूरा करना जरूरी है अभी हम एक चीज और समझा रहे देखिएगा ये भी तो लाइट आया और टकरा के चला गया पर क्या ये रिफ्लेक्शन है नहीं है हाँ रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है पूरा करना होगा क्या क्राइटेरिया कि जो आया इसका नाम इंसिडेंट रे इसका नाम रिफ्रेक्टेड रे आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस पॉइंट में क्या डाल देते हैं हम लोग अभिलंब डाल देते हैं क्या डाल देते हैं अभिलंब नॉर्मल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड रे का जो बनता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल तो पहला तो यही होना चाहिए कि एंगल आई बराबर क्या होना चाहिए एंगल आर होना चाहिए एंगल आई बराबर क्या होना चाहिए एंगल आर ये पहला पॉइंट अगर हमको मानना है कि यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो आपको क्या मानना होगा पहला पॉइंट आई बराबर आर होना ही चाहिए सेकंड पॉइंट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों क्या होना चाहिए सेम पॉइंट में होना चाहिए कौन कौन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों प्लेन में क्या होना चाहिए सेम पॉइंट में होना चाहिए एक ही बिंदु में होना चाहिए सिल्वर नाइट्रेट हाँ ठीक है सिल्वर नाइट्रेट वही कोटिंग करने में सिल्वर याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है लिए। सारा पॉइंट एक ही प्लेस में होना चाहिए बिल्कुल वही पॉइंट कि आई आर और एन क्या होना चाहिए सेम पॉइंट में अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तभी हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का कुछ भी मीडियम हो सकता है जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस गया जरूरी नहीं कि एयर ही रहे अगर मान के रखिए कि पानी है पानी के अंदर कांच का टुकड़ा गिरा हुआ है और पानी के अंदर कोई टॉर्च ऑन किया तो पानी से गया कांच में स्ट्राइक किया और पानी में ही वापस आया फिर पानी से वापस जाएगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा पानी में ही होना चाहिए सेम मीडियम जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में गया इसमें तो दो अलग-अलग मीडियम नहीं हो रहा है लाइट जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में गया एयर से आया तो एयर में गया अगर वाटर से आता तो वाटर में ही जाता किस मीडियम से आया उसी मीडियम में लौट गया तो हम लोग क्या कहेंगे कहें। रिफ्लेक्शन कहेंगे सॉरी रिफ्लेक्शन कहेंगे परावर्तन कहेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत अभी डेंसर मीडियम रेलर मीडियम आए ही नहीं है जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में वापस चला गया तो क्या कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन दो तो कंडीशन आई बराबर आर और एक कंडीशन I, R और N क्या होगा सेम अब थोड़ा सा टफ जोन जो आपको समझना है धीरे धीरे हम एंटर करते हैं इसका एप्लीकेशन में पहला तो अगर से कभी पूछा है, अब तो नहीं शायद कोई एक एंगल आपको दे देगा देखिएगा आपसे ऐसा सवाल पूछ लेगा अब तो ऐसा नहीं पूछता है खैर जब ऐसा सवाल पूछा जाता था कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है उस समय ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आप देखे होंगे सेट में आपको हो देखा होगा कि जेपीएससी में भी पूछा गया है कहेगा कि लाइट का यहाँ पे क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है कितना डिग्री का 30 डिग्री का तो आपको बताना है कि एंगल आई का वैल्यू क्या होगा अगर इसका तीस है तो एंगल I का कहां होगा कितना वैल्यू होगा 60 होगा ना कैसे निकालते हम लोग सोचिए एक बार ये क्या है नॉर्मल नॉर्मल मतलब दोनों साइड में नब्बे तो ये पूरा अगर नब्बे ये तीस तो ये कितना और I बराबर क्या होता है R तो R साठ तो I भी साठ यानी एंगल I का वैल्यू कितना आ जाएगा कहीं से भी पूछ ले आपसे अगर आपको मान लेते हैं इसी को चेंज करके ऐसा पूछ लेता देखिएगा एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है और इसका एंगल है 45 डिग्री कितना डिग्री इसका कितना वैल्यू होगा 45 ही होगा इसका 45 तो इसका भी 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45 होगा ना इधर वाला ही 45 हो जाएगा एक लाइन में कितना डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री तो ऐसा पहले पूछा जाता था अब नहीं पूछे सभी का सही था आगे बढ़े अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के उपयोग इसका कहां-कहां हम लोग यूज करते हैं ये हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले क्या समझना होगा मिरर समझना होगा कि परावर्तन का सबसे अच्छा यूजेस हम लोग कहां पे लिए मिरर में ही ना देखें परावर्तन का सबसे अच्छा यूज हम लोग कि दर्पण मतलब क्या हो गया दर्पण अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा यहां से हम लोग को पहले तो हम लोग मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करते इजी वे में हम लोग कर रहे कैटेगराइज पहला क्या होता है प्लेन मिरर यही होता है ना और एक क्या होता है समतल दर्पण और दर्पण स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर मतलब समतल दर्पण और दूसरा क्या तालाब में भी आएंगे टेंशन मत लीजिए तालाब में जब सूर्य का किरण गिरता है तो कैसा दिखाई पड़ता है कि सब में आएंगे वो जो आपको दिखाई पड़ता होगा कि लाइट हल्का सा क्या हो रहा है स्कैटर्ड हो जा रहा है प्लेन मिरर और क्या पढ़े हम लोग स्फेरिकल मिरर समतल दर्पण गोलीय दर्पण फिर हम लोग गोलीय दर्पण को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अवतल और उत्तल बोले तो कॉनकेव और क्या कॉन्वेक्स नहीं लिखते हैं ना एक तरफ कॉनकेव और एक तरफ कॉन्फ्लेक्स इतना ही चर्चा करते हैं हम लोग अब यहां समझना पहले प्लेन मिरर में आते हैं और यहां से सवाल उठाना चालू कर सबसे पहले सवाल का जवाब देना है प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट मतलब कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा इन बात है इनफाइनाइट मतलब अनंत तो प्लेन मिलर का रेडियस क्या होता है इनफाइनाइट हो क्वेश्चन पहला क्या क्वेश्चन था हमारा प्लेन मिलर का रेडियस यानी कि त्रिजा प्लेन मिलर का फोकस क्या होता है अगर रेडियस इनफाइनाइट तो फोकस क्या होता है रेडियस बाई टू इनफाइनाइट बाई टू इनफाइनाइट को किसी से भी भाग दे लीजिए गुना कर लीजिए घटा लीजिए जोड़ लीजिए वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा यानी प्लेन मिरर का रेडियस भी इनफाइनाइट प्लेन मिरर का फोकस भी इनफाइनाइट फोकस बोले तो फोकस दूरी आगे आए थर्ड पॉइंट जो हमारा प्लेन मिरर है इमेज कैसा बनता है मिरर में इमेज कैसा बनता है लेटरल हो जाता है। हाँ, पार्श्विक रूप से कहने का मतलब दाया वाला बाया और बाया कंघी करते होंगे तो अंदर में जो भाई साहब कंघी करते होंगे वो अपना लेफ्ट हैंड से करता है देखे होंगे ना आप अगर लेफ्ट से कर रहे हैं तो राइट से करेगा और आप अगर राइट हैंड से कर रहे हैं तो अंदर वाले भाई साहब लगता होगा इसका मतलब क्या हुआ लेटरली इन्वर्सन सिंपल सा मतलब क्या होता है लेटरली इन्वर्सन पार्श्व परिवर्तित हो जाता है है ना यानी लेटरली इन्वर्टेड लिख लीजिए या फिर पार्श्व परिवर्तित लिख लीजिए पार्श्व परिवर्तित लेटरली इनवर्टेड रहता है परिवर्तित रहता पार्श्व क्या रहता है परिवर्तित रहता है. एट्रली क्या रहता है इन्वर्टेड रहता है या लिटरली इन्वर्जन कहा जाता है और क्या बनता है ये तो एक कलेक्शन की बात कर ली अब आता है कि वो उल्टा बनता है सीधा बनता है वो तो समझ में आ गया तो ये सीधा ही बनता है केवल साइड चेंज होता है अब वो रियल इमेज होता है कि वर्चुअल इमेज होता है नाम एक ही टर्म याद रखिएगा सीधा नाम का चीज दुनिया में नहीं हो सकता वो केवल कल्पना में हो सकता है हो सकता।, हो सकता है कल्पना में और कल्पना को ही हम लोग क्या कहते हैं इमेजनरी कहते हैं वर्चुअलिटी कहते हैं यानी इसका इमेज कैसा बनता है सीधा बनता है ना तो सीधा कभी सत्य हो सकता है क्या वो तो हमेशा क्या आपका कल्पना है मतलब सोच है यानी इमेज कैसा बनता है वर्चुअल बनता है इमेजनरी बनता है याद देखिएगा प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है वर्चुअल बनता है यहाँ बहुत गड़बड़ी होता है कि सीधा बनता है उल्टा बनता है आभासी बनता है वास्तविक बनता है तो कहीं पर भी याद देखिएगा सीधा इमेज बना मतलब वो क्या है आभासी है दुनिया में कोई चीज सीधा नहीं हो सकता है हर चीज उल्टा है कोई व्यक्ति सीधा नहीं है सीधा व्यक्ति है दुनिया में कोई नहीं है तो क्या याद करना है अगर सीधा इमेज बना मतलब वो कल्पना है मतलब वो काल्पनिक इमेज वो कैसा प्रतिबिंब है काल्पनिक उल्टा बना तब वो क्या है वास्तविक लगता तो है इन वही तो पर आप हटे वो गायब वो फिल्म भी नहीं हो सकता है उस इमेज को आप पर्दे पे नहीं ला सकते ला सकते हैं क्या नहीं इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कल्पना कहते हैं केवल सोच कहते हैं कि हम वहां से हटेंगे तो इमेज भी हट जाएगा यही बातें करते हैं ना इसलिए ट्रिक से ही आप याद देखिए सीधा हुआ मतलब काल्पनिक यहां तक ठीक है अभी और समझना अभी प्लेन मिर कोई समझना है हाँ आभासी और काल्पनिक उसी को बोलते हैं आभासी मतलब झूठा वास्तविक मतलब सच्चा में क्या बना इमेज बना और जब भी सच्चाई में इमेज बनेगा तो सच्चाई दिखेगा और सच्चाई में क्या होते हैं उल्टा होते हैं सीधा कोई दुनिया में है ही नहीं तो जो भी वास्तविक इमेज बनेगा वो कैसा होगा समझेंगे अभी अब उधर हम लोग यहां तक क्लियर है इमेज जो हम लोग देखते हैं ना अगर मान लेते हैं ये वाला कोई कैंडल है ऐसे हमसे बहुत खराब बनता है ये सब इमेज वगैरह और मान लीजिए ऐसे ही ये कैंडल वगैरह है अगर इसका इमेज बना इमेज बना और इमेज इसका ऐसा ही बना जैसा कैंडल सीधा है ऐसा ही दिख रहा है आपको ठीक है इसको तो सीधा कहते हैं हम लोग लेकिन पार्शियली इन्वर्टेड कहने का मतलब उसको भी समझना है पार्शियली मतलब ऐसा कि अगर बी लिखे हम लोग तो यहां पर बी ऐसा दिखाई पड़ रहा है ये भी सीधा है लेकिन ये क्या है लेटरली उल्टा कैसे बनता उल्टा बनने का मतलब इस कैंडल का फोटो ऐसा बनता पानी में देखते हैं ना वो उल्टा बनता है या फिर हम लोग जो अपना इमेज देखते हैं देखते हैं ना तो लोग क्या कहते हैं उल्टा इमेज बनता है इसे बहुत जगह उल्टा आपको दिखाई पड़ता होगा और इसका एग्जाम्पल कहा मिलेगा आपको रीजनिंग में तो बहुत मिलता है बात तो सही है रीजनिंग में तो बहुत ही मिलता है मतलब क्या होता है इमेज का ही उल्टा दिखाई पड़ा अगर मान लेते हैं यहां पर इस तरह से आपको लिखा होगा ए तो यहाँ पे ए कैसा दिखाई पड़ेगा ऐसा दिखाई पड़ेगा ये सीधा उल्टा है लेकिन वर्चुअली कहने का मतलब ये ऐसा ये वाला साइड इधर आ गया ये वाला साइड इधर चला गया अब क्लियर हुआ ये लेटरली परिवर्तित है परिवर्ति थे। ये क्या है इनवर्टेड पूरी तरह से क्या है उल्टा है। और अगर जैसा का तैसा ही बन गया कोई दिक्कत नहीं ये क्या सीधा ही बना। चलिए प्लेन मिरर की और हम लोग चर्चा करेंगे जल्दी से अब प्लेन मिरर ही आज हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम लोगों ने समझा कि प्लेन मिरर होता है इसको एक साइड से सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर से हम लोग क्या कर देते हैं कोटेड कर देते हैं इसका रेडियस क्या होता है इन्फिनिटी होता है इनफाइनाइट होता है इसका फोकस क्या होता है इनफाइनाइट होता है इमेज कैसा बनता है लेटरली इन्वर्टेड बनता है और कैसा बनता है वर्चुअल काल्पनिक बनता है इतना बात कर लिया हम लोग याद रखिएगा प्लेन मिरर या मिरर को बनाने के लिए ग्लूकोज का यूज किया जाता है

सीधा पड़ पा चलिए सिल्वर नाइट्रेट आगे बढ़ते हैं अब प्लेन मिरर का और पॉइंट समझ अगर प्लेन मिरर से कोई ऑब्जेक्ट यहां मान लेते हैं हम हैं चार पांच को हाथ लगा लिए है ना अगर प्लेन मिरर से हम मान लीजिए x मीटर की दूरी पे खड़े कितना मीटर की दूरी पर एक्स मीटर की दूरी पे खड़े तो देखने से हमको क्या एहसास होगा मेरा जो इमेज बन रहा है इधर ही बनेगा वो भी एग्जैक्टली एक मीटर की दूरी पे एहसास होगा इतना मोटा हमारा है नहीं एहसास होगा हम कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे खड़े हैं अगर हम मिरर को बीच में बना देते देखिएगा समझिएगा ये मिरर है और मिरर से पांच मीटर की दूरी पर कोई क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से ठीक उतना ही दूरी पर क्या बनेगा इमेज को फील होगा जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी पे क्या बनता है इमेज बन अब मन में आया होगा कि सर इतना मोटा मिरर थोड़े है हो सकता है ना हम क्या कह रहे हैं फील होता है। भी आप देखे होंगे अपना हाथ लीजिए और शीशा में ऐसे जाइए वो भी ऐसे लेके आता है आप अपना हाथ दूर लेके जाइए तो क्या आप जितना दूर लेके गए ना उतना दूर हाथ क्या हो रहा है, कर रहा है। तो जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी पे क्या बनता है ऑब्जेक्ट उतना दूरी पे क्या बनेगा बने। पहला पॉइंट क्लियर है? रियर व्यू मिरर नहीं कहे रियल व्यू मिरर। राहुल जी रियर व्यू और रियल व्यू में अंतर होता है रियर व्यू होता है साइड वाला है ना उसी को कहते हैं ना और हमने क्या कहा रियल व्यू मिरर दोनों में अंतर होता है देखिएगा सेम डिस्टेंस पे एहसास होगा बिल्कुल सही सेम डिस्टेंस पे एहसास होगा पहला पॉइंट, पॉइंट, पॉइंट। सेकंड सेकंड फिर से हम लोग बात करते हैं, देखिए। बताते चलिएगा आप लोग जल्दी जल्दी अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर बी डिस्टेंस से आगे बढ़ रहा है क्या मिरर है और मिरर की ओर कितना डिस्टेंस से या कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है मतलब तो ये ऐसा मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है तो सामने मिरर रखा हुआ है एक स्टेप आगे लिया एक स्टेप क्या लिया आगे लिया तो उसको अपना जो इमेज है अपना जो इमेज है ये कितना स्पीड या कितना स्टेप आगे आते दिखाई पड़ेगा नहीं दो स्टेप कितना दिखाई पड़ेगा दो अगर आप मिरर के और भी से जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका इमेज टू भी से आ रहा है ऐसा क्यों समझते हैं थोड़ा सा देखिए बाकी लोग समझे होंगे जानते होंगे तो अच्छा है बहुत अच्छा है मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस था सौ मीटर इधर से पचास इधर से पचास ठीक है ये इधर से दस मीटर आगे आए कितना मीटर आगे आए दस ये भी कितना आया होगा नहीं दस ही आया होगा डिस्टेंस तो एक होगा ना लेकिन टोटल कितना घट गया घटा ना बीस तो इसको क्या एहसास होगा इसको लगेगा कि भैया हम तो इतना दूर आए लेकिन मेरा इमेज इतना कैसे आ गया अपना भी आया और इमेज का भी तो आया ना प्रतीत होता है आप एक स्टेप लिए वो भी एक स्टेप लिए तो जब आपका अपना स्पीड आप दौड़ रहे हैं इसीलिए आपको जब जिम जाइएगा तो जिम में चारों ओर शीशा लगा हुआ रहेगा वो तो किस लिए लगा हुआ रहता है इसी कारण से ली जिम में जो लगा हुआ रहता है ट्रेडमिल वहां दौड़ने वाले को कभी फील्ड में दौड़ाइए उसको गलत फहमी दूर हो जाएगा जब वो जिम में रनिंग करता है सामने देखता होगा ना तो बहुत खुश होता होगा कि हमसे तेज कौन दौड़ रहा होगा हम ही तो सबसे फास्ट है एक्चुअल में अगर वो पांच की स्पीड से दौड़ रहा है रनिंग कर रहा है तो शीशा लगा हुआ है सामने पे क्या दिख रहा होगा दुगुना तो स्पीड फील हो रहा होगा उसको बाप रे इतना तेज दौड़ रहे हैं हम तेज और कहीं का एक्चुअल में क्या होता है उसका पांच ही स्पीड ये बात को समझना देखिएगा जिम में कभी भी आप रनिंग करने जाइए जिम जाइएगा रहेगा कारों और क्या रहता है? रहता है है ठीक है जाना भी खराब नहीं है अगर आपके पास समय है तो जा सकते हैं स्विमिंग डांसिंग कीजिए बनाना तो जा सकते हैं कि अगर हम लोग मिरर के और ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से आगे बढ़े भी तो इमेज कितना फील होगा टू भी याद रहेगा जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट उतना दूरी पे इमेज बनता है ऑब्जेक्ट अगर भी स्पीड से आगे बढ़ेगा इमेज कितना से टू भी से टू भी कभी तो इसका क्या हो जाएगा और समझते हैं हम लोग कभी भी अगर मिरर के सामने कोई थीटा एंगल बनाएगा देखिए मान लेते हैं सामने मिरर रखा हुआ है प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं और हम प्लेन मिरर के सामने इतना सा झुके तो मेरा जो इमेज है ना वो दोगुना दिखाई पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाए बनाए थीटा एंगल बनाए, तो इमेज कितना बनाता है टू थीटा इसलिए कभी कोई लाइन को देखना हो कि आप सीधा ड्रॉ किए टेढ़ा ड्रॉ किए हैं मिरर लाइए और फिर देखिए अगर आप हल्का सा भी टेढ़ा किए होंगे ना तो मिरर में पूरा पता चल जाएगा तो लाइन क्या है टेढ़ा है क्या कह रहे हैं हम लोग कि अगर ऑब्जेक्ट इधर के साथ कितना एंगल बनाए थीटा एंगल एंगल तो इमेज कितना पे दिखाई पड़ेगा थीटा ठीक है लेर यहां तक एक पॉइंट और याद करेंगे हम लोग क्या याद कीजिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज बनाने के लिए मान लीजिए पांच फिट का कोई ऑब्जेक्ट है कितना फिट का ऑब्जेक्ट है पांच फिट इस पांच फिट के ऑब्जेक्ट का अगर हम फुल इमेज चाहते वो भी क्या आइडियल कंडीशन में ये नहीं कि दूर चल जाते हैं दूर चल जाते हैं तो पूरा आते ही जाएगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं जैसा है वैसा ही चाहिए आइडियल इमेज चाहिए तो कम से कम मिरर का साइज ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए आधा होना चाहिए क्या कह रहे हैं कि फुल इमेज के लिए इसके लिए फुल इमेज के लिए मिरर का साइज क्या होना पड़ता है ऑब्जेक्ट का आधा होना ठीक हो। है ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए आधा होना चाहिए आगे बढ़े और क्या समझना है अब प्लेन मिरर का हम लोग कहां कहां यूज करते हैं जनरली तो प्लेन मिरर का यूज में दो तीन यूज आप लोग जरूर याद रखिएगा एक होता है कलाइडो स्कोप कलाइडो स्पेलिंग एक बार देख लीजिए कलाइडो स्कोप कलाइडो इसकोग क्या होता है इसमें तीन प्लेन मिरर लगा हुआ रहता है कितना प्लेन मिरर और तीनों एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के एंगल में रहता में कितना प्लेन मिरर तीन प्लेन मिरर। और तीनों क्या होता है 60 डिग्री के एंगल में रहता है और इसके बीच में कुछ रंगीन कागज वगैरह का टुकड़ा डाल दिया जाएगा कागज हो गया कुछ सब्सटेंस हो गया और जितने बार क्लायडो इसको मूव करेगा ना उतना बार आपको नया पैटर्न दिखाई पड़ेगा कहीं क्या बनाएगा नया पैटर्न बनाएगा तो नया नया पैटर्न का डिस्कवरी करने के लिए किसका यूज किया जाता है क्लायडो पहले तो बचपन में खिलौना के रूप में भी आता था तो देखते रहिए हल्का हा मेला वगैरह मिलता था एक बार घुमाइए और नया खिलौना दिखेगा वो नया आकृति दिखता था बहुत मजा आता था वो में क्या है? वो तो हम लोग होम यूज बता रहे हैं और बड़े बड़े फैक्ट्री में नया नया पैटर्न का शर्ट हो गया कपड़ा को देखिएगा अलग अलग पैटर्न में डिजाइन किया जाता है अलग अलग पैटर्न में कढ़ाई बुनाई होता है उसके लिए भी कलाइडो स्कोप का क्या किया जाता है नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज कहाँ होता है पेरिस्कोप पेरिस्कोप बंकर में छुपा हुआ सैनिक लोग को देखते हैं कि बाहर में क्या हो रहा है उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज होता है या सबमरीन वगैरह देखे होंगे पानी में डूबा हुआ रहता है खाली देखिएगा सबमरीन के ऊपर का जो एरिया है इस तरह से ये केवल क्या रहता है हल्का सा बाहर निकलता है और पूरा का पूरा सबमरीन पानी के अंदर रहता है पेरिस्कोप में एक्चुअली समझने वाला चीज ये है कि पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर रहता है कितना प्लेन मिरर दो प्लेन मिरर और दोनों के दोनों 45 डिग्री के एंगल में रहे कितना डिग्री का एंगल 45 मान लेते हैं यहां से कोई ऑब्जेक्ट का इमेज या लाइट यहां पे आया यहां से आने के बाद रिफ्लेक्ट होके यहां पे गया और यहां से यहां पहुंच गया अब देखिए यहां पे बैठ के कोई देख सकता है ना यहां पे क्या है के मदद से कोई यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठ के वो देख सकता है कि यहाँ से क्या आ रहा है किस हम लोग भी देखते हैं ना अगर हमको देखना है है उधर से कोई आ रहा है। हम यहां एक सिसा डाल दी। एक सिसा लगा दी है, और यहां एक शीशा 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 डाल दिए 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 लगा लगा और लाइट आया वहां गिरा होगा वहां से स्ट्राइक करके यहाँ पहुंचा होगा हम आराम से देख लेते हैं हमको वहां देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा तो पेरिस्कोप का यूज सबमरीन वगैरह में बंकर में छुपे हुए सैनिक के द्वारा किया जाता है हाँ जेड से बिल्कुल बोल सकते हैं लाइट आया यहाँ से क्या हुआ रिफ्लेक्ट हुआ फिर यहाँ से क्या हुआ रिफ्लेक्ट हुआ तो सबमरीन वगैरह में या बंकर में छिपे हुए सैनिक इसका यूज करते हैं पेरिस्कोप का यूज करते हैं साथ ही साथ नॉर्मल जितना सारा हम लोग मिरर का यूज करते हैं नॉर्मल मिरर वो तो सबके सब क्या है प्लेन मिरर हाँ सबमरीन यानी पंडुबी पंडुबी में अवतल दर्पण का देखिए अभी आएंगे अवतल दर्पण का ये नहीं ये हम लोग जो बात कर रहे हैं किसका सबमरीन का बात कर रहे हैं या फिर इस इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं पेरिस्कोप इसमें हर जगह किसका यूज होगा प्लेन मिरर का जैसे देखिए अभी समझाते हैं अभी हमने कहा कि मिरर में किसका यूज होता है प्लेन मिरर अगर बॉयज लोग खास तौर तो पे बात करते हैं तो आप लोग सलोन वगैरह जाते होंगे सामने मिरर लगा हुआ रहता है पूरा हेयर कटिंग हो जाता है सामने भी शीशा है पीछे भी शीशा है चारों ओर से आपको दिख रहा होगा फिर भी आपका जब हेयर कटिंग कंप्लीट हो जाता है तो देखिएगा जो आपका बारवर होता है एक छोटा सा मिरर लेके आता है अगर सब गए होंगे मिरर लगा हुआ है आप देख लिए आपका हेयर कटिंग कंप्लीट हो चुका है फिर लास्ट में एक सीशा लेके आएगा और तो आपको पूछेगा भैया ठीक है ना तो लास्ट में लाता है वो प्लेन मिरर नहीं है लेकिन उस रूम के चारों ओर जो शीशा लगा हुआ है वो प्लेन मिरर बहुत कोई आप में से हमको उम्मीद है बहुत किसी को फील किए होंगे तो नहीं सोचे होंगे कि कैसा इंसान है यार चारों तो का क्या जरूरत है है एक्चुअल पीछे दिखता है थोड़ा सा अच्छा सलोन में जाइए मतलब जहाँ दोनों तरफ रहता है वहां सामने भी शीशा रहता है पीछे भी शीशा रहता है क्लियरली दिखता है कि चारों ओर जो लगा है वो प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में क्या बताएं अगर थीटा एंगल टेढ़ा हुआ है तो तू थीठा दिखेगा वो आपको दिखाता है कॉनकेव जो अभी आपने कहा अवतल दर्पण को लाकर आपको रियली में दिखाई पड़े कि बैलेंस में आपका बाल कटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं लास्ट में जो छोटा वाला लाता है वो भी शीशा है लेकिन वो क्या है कॉनकेव कॉन्केब मे वो कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण है लेकिन चारों ओर जो चिपकाया हुआ है शीशा वो सब क्या है प्लेन मिरर तो नॉर्मल जो हम लोग मिरर यूज करते हैं वो क्या रहता है प्लेन मिरर ही रहता है रहता है ना कौन सा मिरर रहता है प्लेन मिरर चलिए तो आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग मिरर को कंप्लीट करके रिफ्रैक्शन पे जाएंगे और रिफ्रैक्शन में जाएंगे तो लेंस पढ़ लेंगे जैसे रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ लिए मिरर रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ लेंगे, लेंस पढ़ लेंगे। तो चलिए धन्यवाद